फ्रेंड्स, माय नेम इज शगुन एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं हर बार आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस लाती रहती हूं। और आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत 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 हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूं। कहने के लिए ये वीडियो बहुत इजी सा हो सकता है, बट अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि बिगिनर्स जो होते हैं उनके मन में काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, काफी सारे सवाल होते हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना पड़ता है, काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस उनके माइंड में रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू उनके सभी क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊं। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैं बिगिनर थी तो मैं प्रोडक्ट के बारे में कितनी कंफ्यूज रहती थी, मेरे मन में क्या क्या क्वेश्चंस रहते थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी, किन किन प्रॉब्लम्स को मैं फेस करती थी। सो फ्रेंड्स, इस सब के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करूंगी। आज का टाइटल देखकर आप लोग समझ तो गए होंगे कि मैं आप लोगों को हेयर स्टाइलिंग के लिए जो जो यूजफुल मशीन्स है या फिर प्रोडक्ट्स है, ए टू जेड प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज दूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, आपको बड़े आराम से समझना है, आराम से सीखना है प्रोडक्ट के बारे में। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके मन में क्वेरी रह जाती है, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आकर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के उन सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर लेकर आऊंगी। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर ये जरूर बताइए कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखनी है। ये मेरी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं प्रोडक्ट नॉलेज दे रही हूं। अभी इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको हेयर स्टाइलिंग के लिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स की नॉलेज दूंगी, उसके बाद मैं पार्ट टू जो लेकर आऊंगी, पार्ट टू में मैं आप लोगों के लिए मेकअप प्रोडक्ट नॉलेज भी लेकर आऊंगी, क्योंकि जब तक हम लोगों को प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होगी तब तक हम एक भी अच्छा सा लुक क्रिएट नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, आप लोग पेपर देने जाते हो तो पेपर आप जब ही दे सकते हो जब आपने पहले से प्रिपरेशन करी हो, आपने पहले से उन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा हो, ठीक है। तो सेम उसी तरह होता है मेकअप के अंदर भी, हेयर स्टाइलिंग के अंदर भी। जब तक आप लोगों के पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तब तक आप लोग कोई भी हेयर स्टाइल नहीं बना सकते, कोई भी मेकअप क्रिएट नहीं कर सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टाइलिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों को भी पता है कॉम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के पास, अगर आप लोग नॉर्मली अपना हेयर स्टाइल बनाना चाहते हो, नॉर्मली आप किसी वेडिंग में जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, तो आपको नॉर्मली एक कॉम चाहिए। आप कैसा भी कॉम ले सकते हो, ठीक है। हेयर केयर की बात करें, अगर हेयर केयर को फॉलो करते हुए करें तो वुडन कॉम इज बेस्ट। वुडन कॉम हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छी होती है, वरना आप नॉर्मली हेयर स्टाइलिंग के लिए कोई भी नॉर्मल सा कॉम ले सकते हो। बट अब बात आती है प्रोफेशनल वे की। अगर आप लोग न्यू पार्लर स्टार्टअप करना चाहते हो, न्यू आपने पार्लर स्टार्टअप करा है और आप लोग एक अच्छे से कॉम में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक पूरा ही कॉम का आप लोग सेट ले लीजिए। मैं अभी आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगी और आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगी, आपको उस कॉम को लेकर आप अच्छे अच्छे हेयर स्टाइलिंग कर सकते हो। तो देखते हैं वो कॉम कौन सा है। तो लेट सी, इस तरह का ये पूरा कॉम का सेट आप लोगों को मिल जाता है, जिसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, आपको 10 कॉम का सेट ये आपको आराम से मिल जाएगा। अभी इसमें से दो, मतलब 1 एंड 2, ये दो जगह जो खाली है इसमें से मैं कॉम निकाल चुकी हूँ, क्योंकि मैं अभी मेकअप किया था मैंने किसी का, तो उसके लिए हेयर स्टाइलिंग के लिए निकालनी पड़ती है। अब मैं इन कॉम का आपका यूज बता देती हूँ। सबसे पहले ये आपको प्लास्टिक के इस तरह के रैप में मिल जाता है आराम से। आप सबसे अच्छी बात इन कॉम्स की ये है कि ये जो रैप आपको मिलता है प्लास्टिक रैप आपके, इससे इसकी वजह से ये जो कॉम है सारे बहुत ही सेफ रहेंगे। तो अगर आप लोग प्रोफेशनल हो, आप लोग पार्लर स्टार्टअप कर रहे हो, आप लोग इसको अपने पर्सनल यूज के लिए भी ले सकते हो, बट पर्सनल यूज में आपको इतने सारे कॉम आपके यूज होने वाले हैं नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग अपना पर्सनल ही हेयर स्टाइल बनाने के लिए लेना चाहते हो तो आप लोग एक कॉम में इन्वेस्ट कीजिए। अदरवाइज अगर आप लोग अपना पार्लर स्टार्टअप करना चाहते हो तो आप लोग इस तरह के कॉम के सेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसमें फर्स्ट कॉम ये वाला है, इस तरह का, से पीछे की साइड से ये है। क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी इन कॉम्स की बहुत अच्छी है। मैं इनको यूज काफी टाइम से कर रही हूँ, मुझे आज एक साल हो गया इन कॉम को यूज करते हुए और इनकी क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है, बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी मेरे को लगी। तो फर्स्ट कॉम इसमें ये वाला है। सेकंड आपको मिल जाता है ये वाला कॉम, जो हेयर स्टाइलिंग के लिए इंपॉर्टेंट कॉम होता है। इससे आप कोई भी पार्टीशन अपना ले सकते हो और आगे की साइड से कुछ इतने पतले ब्रिसल्स वाला होता है, तो आप लोग इस तरह के कॉम्स ले सकते हो। दो कॉम मैंने आपको दिखाए। थर्ड होता है ये वाला, ये भी हेयर स्टाइलिंग के लिए ही होता है सब कुछ। अगर आप लोगों को इनके यूजेस जानने हैं, आप लोगों को इनसे रिलेटिव हेयर स्टाइल जानने हैं, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आकर बताइए, मैं इनसे रिलेटिव आपको हेयर स्टाइल भी बताऊंगी और इन सभी कॉम का यूज भी बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट ये होता है बड़ा नॉर्मल सा कॉम, जो सिर्फ बालों के टैंगल्स को रिमूव करने के लिए होता है। नेक्स्ट फिर ये है, अगर आप लोग चाहते हो कि इन सभी का, क्योंकि अभी आप बिगनर्स हो और बिगनर्स हो तो आप लोगों को कॉम के बारे कॉम तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे वाले कॉम लेने चाहिए, बट अब इन कॉम्स की आपको नॉलेज भी तो होनी चाहिए कि इन कॉम्स को यूज कैसे करना है। तो आपको, अगर आपको इनके यूजेस जानने हैं तो आप कमेंट कीजिए, आप लोग बोलिए कि, मतलब अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगी इनके यूजेस की, कि इनको यूज हम आखिर करते कैसे हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कॉम, ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि अगर ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये कॉम्स है, आप इन कॉम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिल जाएगा।
ये मैंने बेसिकली मीशो से परचेज किया था और ये मेरे को 250 की रेंज में नहीं 350 की रेंज में मेरे को मिल गया था और ये बहुत ही अच्छे कॉम्स है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप लोग इनको परचेज कर सकते हो। सेकंड जो हेयर स्टाइलिंग में बहुत ही बेसिक सी चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, वो है आपका हेयर सीरम। आपके हेयर्स को स्मूथ करने के लिए आपको एक अच्छे से हेयर सीरम में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, चाहे आप अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो और अगर आप प्रोफेशनल हो, आप लोग पार्लर स्टार्टअप कर रहे हो तो उसके लिए तो आपको हेयर सीरम लेना ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप किसी भी ब्रांड का हेयर सीरम ले सकते हो, मेरे पास ही एनजो ब्रांड का हेयर सीरम है जिसकी MRP 550 के आसपास है। आप कोई भी हेयर सीरम ले सकते हो, बट हेयर सीरम आप सोच समझ के लीजिएगा, जिससे कि क्योंकि काफी सारे हेयर सीरम ऐसे आते हैं जिनसे हमारे हेयर जो है काफी चिपचिपे से, काफी ऑयली से हो जाते हैं, तो हमें हेयर सीरम ऐसा लेना जिससे हमारे हेयर्स काफी टैंगल फ्री और काफी स्मूथ, काफी सॉफ्ट हो जाए। तो मैं प्रीफर करूंगी सेकंड चीज, आपको एक अच्छा सा आपके पास हेयर सीरम होना चाहिए जिससे कि आप कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हो इजीली। चीज जो है, हम कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं, मान लो मुझे इतने पार्ट्स में अपना हेयर स्टाइल बनाना है और ये बाकी के बाल बचे हुए हैं, तो इन बालों को सिक्योर करने के लिए क्लिप चाहिए। अगर आप लोग पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, आप इन क्लिप्स को स्किप कर सकते हो, आप क्लेचर का यूज कर सकते हो अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो। बट अगर आपका पार्टनर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरह की क्लिप्स में इन्वेस्ट कीजिए, इस तरह की, क्योंकि अगर आप कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हो तो अगर आपको पार्टीशन करना है तो आप इस तरह से पार्टीशन कीजिए और आराम से ऐसे क्लिप लगा दीजिए। तो सजेस्ट करूंगी आपको कि आप इस तरह की क्लिप में जरूर इन्वेस्ट करें अगर आप लोगों का पार्लर है तो। ये आपके स्मूथनिंग में, कैरेटिन में, हर चीज में यूज हो जाएगी, आपके हेयर स्टाइलिंग में यूज हो जाएगी और इजीली आपको ज्यादा महंगी भी नहीं मिलेंगी, 250 तक में आपको आराम से मिल जाएंगी क्लिप्स। अब जो फोर्थ चीज है वो बड़ी ही बेसिक सी है, वो सभी को पता है, यूपिन एंड बॉबिन। यूपिन और बॉबिन के बारे में आप सभी को पता है कौन कौन सी आती है, छोटी टिक टिक होती है, उनको भी आप यूज कर सकते हो। हेयर एक्सेसरीज में आप कुछ भी लगा सकते हो, पर बॉबिन और यूपिन हमारे बन वगैरह बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बॉबिन हमारे किसी भी स्टाइल को सिक्योर करने के लिए चाहिए होता है। सो फ्रेंड्स, यूपिन और बॉबिन आई थिंक मुझे दिखाने की जरूरत है नहीं, आप लोगों को सभी को पता होगा यूपिन बॉबिन आखिर होती क्या है, बट अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं फिर भी एक बार शो कर देती हूँ वीडियो में। यूपिन इस टाइप की होती है, इस टाइप की, एंड बॉबिन जो होती है वो इस टाइप की होती है। ये पूरा का पूरा पत्ता होता है, पूरा का पूरा एक पैकेट होता है। आप इस तरह से इन्हें तो आप नॉर्मल अपने पर्सनल यूज के लिए भी ले सकते हो, लेना क्या इसको तो लेना ही पड़ेगा, कोई भी आप हेयर स्टाइल बनाते हो नॉर्मल सा, इसमें तो आपको इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा। और यूपिन में अगर आप लोग बन बनाते हो तो आपको यूपिन की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप लोग कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हो तो आपको ऐसी बॉबी पिन की तो जरूरत पड़नी ही पड़नी है। तो आप इस तरह के पैकेट्स ले सकते हो, इनके भी पैकेट्स आते हैं छोटे छोटे से, तो आप लोग इन्वेस्ट जरूर कर सकते हो। जिनके बाल बहुत हल्के होते हैं या हमारे पास कोई ब्राइडल आती है, एंगेजमेंट ब्राइड आती है, तो उसको बन चाहिए होता है या फिर काफी बाउंसी बाउंसी सा बन चाहिए होता है, तो उसके लिए मैं आपको प्रीफर करूंगी ये डोनट। अगर ये तो काफी लोग, अब तो खैर पर्सनली भी काफी लोग यूज कर रहे हैं इसको, बट अगर आप लोग प्रोफेशनल हो तो आपको इसकी तो जरूरत जरूर पड़ने वाली है हेयर स्टाइलिंग में, तो आप इसमें तो जरूर इन्वेस्ट करो। और काफी ब्राइडल्स होती है तो उनको हेयर स्टाइलिंग में पफ चाहिए होता है, या कोई भी आपको पफ बनाना है तो आपको इस तरह का आर्टिफिशियल पफ स्टैंड भी लेना पड़ेगा। इसमें प्लास्टिक के भी काफी सारे आते हैं, मेरे पास काफी सारे हैं, मैं आपको सारे नहीं दिखा सकती, अगर सारे दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सारे नहीं दिखाऊंगी। आपको इस तरह का पफ और इस तरह का डोनट जरूर चाहिए। ये तो हो गई बड़ी बेसिक सी नॉलेजेस, जो आई थिंक सबको पता भी होगा कि हेयर स्टाइलिंग के लिए ये चीजें चाहिए होती है। अब आती है मेन चीज, मशीनों की, हमें कौन सी मशीन यूज करनी चाहिए हेयर स्टाइलिंग के लिए, जिससे कि हमारा हेयर स्टाइल काफी लंबे टाइम तक चले और काफी अच्छा भी लगे और हर तरह का हेयर स्टाइल बन भी जाए। तो इसके लिए आपको चाहिए मशीनें, वो मैं बताती हूँ कौन कौन सी मशीनें हैं। बात करी जाए हेयर स्टाइलिंग के लिए, सबसे पहले नॉर्मली अगर हम कहीं भी जाते हैं तो उसके लिए बालों को स्ट्रेट करना पड़ता है, जिनके बाल कर्ल्स होते हैं उनको स्ट्रेट हेयर्स पसंद होते हैं, या अपनी इच्छा अनुसार स्ट्रेट हेयर हर कोई कभी ना कभी तो कराता होगा। तो अगर आप लोग पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हो, अगर आपके बालों को, आपको अपने बालों का हेयर स्टाइल बनाना है, स्ट्रेट करने हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। वैसे तो अगर आपका पार्लर है तो आपको तो इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा स्ट्रेटिंग के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता किस तरह का कस्टमर हमारे पास आ जाए, उसको स्ट्रेट हेयर्स पसंद है या फिर कर्ल्स पसंद है या क्रम्पिंग, हमें नहीं पता। तो हमें, अगर आप लोगों का पार्लर है तो आपको एक एक मशीनें सारी लेनी ही पड़ेंगी। अगर आप लोग पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हो तो आप लोगों के पास ऑप्शन है कि अगर आप लोग चाहते हो स्ट्रेट हेयर्स करना तो आप मशीन लो, वरना मत लो। तो मेरे पास है ये VNG ब्रांड का, VNG प्रोफेशनल की हेयर स्ट्रेटनिंग, 65 वॉट्स इंस्टेंट हीट फ्लैट आयरन, आइकॉनिक एंड ओजोनिक ब्रांड की, ये VNG ब्रांड की प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनिंग है। बहुत अच्छा हेयर स्ट्रेटनिंग मुझे लगी है, काफी अच्छे से वर्क करता है। तो ये कुछ इस तरह का है। अगर आप लोग इन सभी चीजों का यूजेस जानना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, उसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो शूट करूंगी, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में आपको इन सभी के यूजेस बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, जिसे फिर कोई भी नहीं देखेगा। तो ये इस तरह का, इसे ये वायर मिल जाता है काफी लंबा चौड़ा सा, और ये काफी अच्छा हेयर स्ट्रेटनर है, मुझे पर्सनली भी ये बहुत अच्छा लगा है, मैंने इसे काफी सारी स्मूथनिंग, कैरेटिन, रिबाउंडिंग कर चुकी हूँ, काफी अच्छा स्ट्रेटनर है। और अगर इसे करने के बाद, सबसे अच्छी बात इसकी ये है,
कि ये आपके बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता है। आप अगर इसे हेयर स्ट्रेट करते हो तो काफी लॉन्ग टाइम तक आपके हेयर स्ट्रेट रहते हैं। सो अगर आप लोग इसका फुल रिव्यू देखना चाहते हो, आपका फुल यूज देखना चाहते हो इसका, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसका फुल यूज भी लेकर आऊंगी आप लोग के लिए, फुल हेयर स्टाइल भी बताऊंगी इससे। सो अगर हम लोग इसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी रियल एमआरपी जो थी, इसकी रियल एमआरपी थी 1500 रुपए, और ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट 750 का मिल गया था, ये मुझे 750 रुपए का मिला था। तो ये आपको इजीली ऑनलाइन ऑफलाइन, बट मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोग मशीनें ले रहे हो तो ये वन टाइम इन्वेस्ट होता है, ये एक बारी में यूज करते खराब नहीं होती, बट हाँ अगर आप लोकल क्वालिटी की लेते हो तो वो मशीन जल्दी खराब होने के चांसेस है, बट अगर आप एक बारी में किसी अच्छी मशीन में इन्वेस्ट कर देते हो तो आपकी मशीन काफी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। अभी इन मशीनों को मेरे पास 1 साल हो गया है और इन मशीनों को टचवुड अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो अगर आप लोग स्ट्रेटनर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लोग VNG ब्रांड का, VNG प्रोफेशनल का ये हेयर स्ट्रेटनर ले सकते हैं। आपको चाहिए होगा एक अच्छी सी ब्रांड की क्रम्पिंग मशीन, क्योंकि अगर आप लोगों का पार्लर है तो कोई भी हेयर स्टाइलिंग के लिए अपने बालों को बाउंसी से, मेरे बालों में बिल्कुल भी बाउंसीनेस नहीं है, मेरे बाल बिल्कुल फ्लैट है और काफी हल्के हैं, तो ऐसे बालों में हेयर स्टाइलिंग करना बहुत हार्ड हो जाता है। तो ऐसे बालों में हेयर स्टाइलिंग करने के लिए, ऐसे बालों में क्या, आपको किसी भी नॉर्मली हेयर में भी हेयर स्टाइलिंग करने के लिए क्रम्पिंग करनी पड़ती है, आगे से जो हमारे बालों का हेयर स्टाइल जब भी बनता है, तो उसके लिए आपको एक बेस्ट सी क्रम्पिंग मशीन चाहिए होती है। मेरे पास कैमी ब्रांड की क्रम्पिंग मशीन है, लिटरली फ्रेंड्स बहुत अच्छी क्रम्पिंग मशीन है, बहुत अच्छी जिसको कहते हैं ना, बहुत ही अच्छी वाली क्रम्पिंग मशीन है। इसको भी मेरे पास 1 साल हो गया है मशीन को, आप एक बारी में एक अच्छी सी मशीन में एक बार इन्वेस्ट कीजिए और काफी लॉन्ग टाइम तक यूज कीजिए। ये कुछ इस तरह की है, और अगर आप लोग इसका यूज देखना चाहते हो, आप इसका फुल रिव्यू देखना चाहते हो, तो आप कमेंट में जरूर बताओ, मैं आप लोगों के लिए जरूर इन जितने भी मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाए इन सभी प्रोडक्ट से आपको एक बहुत ही अच्छा सा हेयर स्टाइल क्रिएट करके दिखाऊंगी। आप लोग कमेंट कीजिए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है, मैं नेक्स्ट वीडियो भी वही लेकर आऊंगी। ये इस तरह की क्रम्पिंग मशीन है मेरे पास, इसके अलावा 3 और ब्रांड की क्रम्पिंग मशीन है, बट अगर मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स अपने दिखाने लगूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी सिर्फ मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूं। अगर आपने न्यू पार्लर स्टार्टअप किया है तो मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप बहुत सारे मशीनों में इन्वेस्ट करो, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा पार्लर चलेगा नहीं चलेगा, और अभी स्टार्टिंग में तो एकदम से कुछ भी हमारा बिजनेस नहीं चलता है, हमें थोड़ा सा लॉस झेलना पड़ता है, तो उसके लिए मैं कहूंगी कि अभी आप ज्यादा इन्वेस्ट ना करो, आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करो, जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए आप तब उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। जब मैंने पार्लर स्टार्टअप करा था, रियली मैं आपको बताऊं तो मेरे पास कोई भी मशीन नहीं थी, मैं सिर्फ मेकअप करती थी और नॉर्मली बालों का ऐसे ही हेयर स्टाइल बना देती थी, बट जैसे जैसे मुझे नॉलेज हुआ, जैसे जैसे मैंने सीखना शुरू करा, जैसे जैसे मेरे पास मेकअप से अर्निंग आनी स्टार्ट हुई, तो मैंने अपना प्रोडक्ट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तब मैंने जाकर काफी प्रोडक्ट लिया है, मैंने खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं करा था, मेरा ये था कि पहले मैं अर्न कर लूँ, मैं उसके बाद इन्वेस्टमेंट करूँ, तो मैंने सेम ऐसे करा, मैंने सिर्फ नॉर्मली छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती है उनको परचेज किया, फिर मैंने उसके बाद जब जैसे से मेरे पास अर्निंग आने लगी, फिर मैंने उसके बाद अपना सामान धीरे धीरे बढ़ाती गई। अगर आप लोग सुनना चाहते हो मेरी स्टोरी आखिर थी क्या, स्टार्टिंग में कैसे मैंने स्टार्टअप किया, सब कुछ कैसे क्या जो भी है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताओ, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए, तो ये सारी बातें, अभी लास्ट एंड फाइनल जो स्टेप अभी रह रहा है, मशीन रह रही है, वो रह रही है कर्ल्स। आजकल कर्ल्स का काफी ट्रेंड चल रहा है, तो आप लोग के पास एक कर्ल्स मशीन भी होनी बहुत जरूरी है। कर्ल्स मशीन मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की होती है। ये भी अगेन मेरे पास VNG ब्रांड का ही है, VNG प्रोफेशनल का हेयर आइकॉनिक टॉन्ग, तो ये भी कुछ इस तरह का है, ये सेम वायर है तबड़ा, और ये इस तरह का है कर्लिंग मशीन। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इन सभी का फुल रिव्यू देखना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर आप लोग जरूर बताइए, मैं आप लोग के लिए जरूर वीडियो लेकर आऊंगी। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरी स्टोरी सुनना चाहते हो कि मैंने मेकअप कहाँ से सीखा, मैंने किन किन प्रोडक्ट से स्टार्टअप किया, जब मैंने अपना पार्लर स्टार्टअप करा तो मैंने कितना इन्वेस्ट करा, कितना कितना मैं सामान लाई, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर बताइए, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, कहने के लिए इस वीडियो में कुछ भी नहीं था और कहने के लिए इस वीडियो में बहुत कुछ था। अभी इस वीडियो में सबसे मेन चीज रह गई है हेयर स्टाइलिंग के लिए, जो मेन चीज होती है वो होती है हेयर स्प्रे। हेयर स्प्रे आप लोगों के पास बहुत ही अच्छी सी ब्रांड का होना चाहिए, वो मैं अभी वीडियो में आपको शो कर दूंगी स्क्रीन पे, आप लोग देख लीजिएगा। आपको बहुत ही अच्छी ब्रांड का एक हेयर स्प्रे होना चाहिए, जिससे कि आपने हेयर स्टाइल जैसा भी किया है आप लोग का वो हेयर स्टाइल वही का वही सेट हो जाए, काफी लॉन्ग टाइम तक चले। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, कहने के लिए इस वीडियो में कुछ भी नहीं था और कहने के लिए इस वीडियो में बहुत कुछ भी था। काफी बारी हम लोग को इन प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल्स हैं, आप लोगों को नॉलेज है, बट मेरी इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस था मेरे बिगनर्स, जो बिगनर्स लोग होते हैं ना, उन लोगों को काफी कंफ्यूजन रहती है और वो लोग काफी सारी चीजों को देख देख कर ही सोचते हैं कि काफी कॉस्टली पड़ता होगा, सामान ये पड़ता होगा, पड़ता होगा। नहीं, मैं आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में और काफी बहुत कम कम पैसे में ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगी कि जो आप लोगों के लिए बहुत यूज होने वाली है। अभी अगर आप लोगों के पास इतना सामान भी है ना, तो आप लोग आराम से एक अच्छा सा हेयर स्टाइल आर्टिस्ट बन सकते हो, काफी अच्छे से हेयर स्टाइल बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोगों को इन सारे प्रोडक्ट्स का फुल रिव्यू चाहिए और इनके यूजेस चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर बताइए, मैं आप लोगों के लिए जरूर वो वीडियो लेकर आऊंगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।